सत श्री अकाल पंजाबी फ्रेंड देख रही सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो 8 मार्च में एक फिल्म आन जा रही है मित्रा का नाम चलता, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस फिल्म की, प्रमोशन चल रही ने, इंटरव्यूज चल रही ने। सो मैं सोचा कि आप भी कहूँ पिछ रही आप भी गलत बातें कर लेने जी। पंजाब मेरे मौजूद ने फिल्म के स्टारकास्ट के तानिया तो राज, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। थैंक यू बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। मैं भी कह रही थी पहला कि इन्ने इंटरव्यूज कर लिया सो इन्नी एनर्जी इन्नी एक्टिव अजे तक। हाँ, गोलियाँ खादियाँ सवेर दी, मैंने तो बुखार चढ़ा 2 दिन हो गए। सो वी आर जस्ट रनिंग वेरी हार्ड एक भज्जा दौड़ी च। सो 2 दिन तो बस मैं तो टैबलेट्स खा के प्रमोशन कर रहा। सो बहुत बहुत मुबारक तुम्हें फिल्म दियाँ पहल तो है की ज़्यादा औखा लगता है, शूट करना या प्रमोशनस करनी? प्रमोशनस एंड डबिंग्स सब तो औखिया लगता, बहुत औखिया लगदियाँ मैं, पर उन्निया ही इंपोर्टेंट है जिन्ना शूट इंपोर्टेंट है। मतलब शूट भी टायरिंग होंगे बट ए भी टायरिंग होंगे। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के लिए जो कोई फिल्म आती है वो रोल बखूबी निभा, जिदा उन्होंने किरदार मिलता वो निभा है, वह काम होंगे। जो तो ये किरदार मिलया सो जो शूट हों, शूट के कुछ यह मूवमेंट आँदी सी जो लगता है ये चीज़ मेरे नाल हुई सी, या ये मूवमेंट कोई मूवमेंट यहोजा याद आता हो कि जो शूट चलता स। एक कलाकार दी लाइफ च ना वैसे भी, क्योंकि असी भी एक्सपीरियंसिस पिछे किते हुंदे तो किते ना किते कुछ ना कुछ करैक्टर दा रिजेंबल कर ही जांदा है। सो बिंदर वैसे तो मेरे नालों टोटली अड करैक्टर है, जदों तुसी वेखोगे फिल्म तुहानू पता लगेगा वी वह बिल्कुल ही अलग करैक्टर है, बहुत हाजिर जवाब ठा जवाब देंदे हैं। पर एदे च जिवें कहां आई हैव टू रिलेट वन थिंग इन द फिल्म जो मैं फील कीती है वो है कि किते भी नॉट फिल्म इंडस्ट्री किते भी छेती किसी तो बैड टिकन ही नहीं देंगे। इनफैक्ट जे घर भी लेना तो इन्ना मुश्किल है किसी लिए घर रेंट पर लेना, ईदर ब्रिंग योर हसबेंड और ब्रिंग योर फादर, मतलब तुसी कल्ले जाके एक घर रेंट पर ले ही नहीं सकते। वाई दिस इज़ सो हार्ड। सो मैनू स्टार्टिंग ते वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ फिल्म मैंने यह चीज़ ए लग गई सी भी किन्ना औखा नॉर्मल सर्वाइवल भी। बिल्कुल। राज बाहर रहे हो सब कुछ जर्नी, सो जो आई सी पंजाब किस तरह का एक्सपीरियंस रहा फिल्म नू लेके या इतों के आर्टिस्ट के नाल? पंजाब साढ़े रूट्स ने, पिछोकड़ है मेरा, मैनू इत्थे आके सब तो ज़्यादा घर फील होंदा। ऑल्दो इट्स वेरी आयरोनिकली दिस इज़ नॉट माई होम। सो पर पता नहीं क्यों इत्थे वॉर्मथ फील होंदी, अपने बंदे ने अपनी बोली है। जो असं बाहर होंगे सूँ इदा लगता कि असं थोड़े टैंड कहते हैं तो शायद असं उत्थे घर नहीं फील करते, बट इतने आके हमेशा अपने अपने लोग लगते हैं। बट सैट पर भी इस इंडस्ट्री के मैं घर फील हों, मैं इन्नी खुशी किसी होर भी फील्ड नहीं मिलनी सी जिनी मैं इतने मिलती है। मैं ना पढ़ना बहुत औखा लगता सी जब मैं यूनिवर्सिटीज़ के वन आई वॉज इन यूनिवर्सिटी आई है थे, मैं लैक्चर से जाना बड़ा औखा लगता है। मैं पॉलिटिक्स कर रही थी एंड आई वॉज डूइंग पॉलिटिक्स एंड सोशल पॉलिसी, इट वॉज मतलब मैं टास्क लगता है कि सवेर नूं उठ के 7 बजे ट्रेन फड़ो इतने जाओ ये वो है ना। पर इतने तुम मैं 5 बजे भी ठाल दो भी सैट पर जाना मैं उठ खड़ती हाँ। सो वो चीज़ मैं बहुत वधिया लगती है, आई एम रियली इंजॉइंग एवरी मोमेंट। आप गल कर रहे थे कि मैं इतने आई हाँ, सो मैं ट्रांजिशन बहुत वधिया लग रहा है। मैं इतने भी पूछूंगी सर सामने इतों का भी एक्सपीरियंस ले लिया है उतों का भी एक्सपीरियंस ले लिया, सो कि ज़्यादा मजा आया? देख मैं हूँ कह के हटी हाँ, तो मैं पता होंगे जब दूसरे बंद ने तैयारी नहीं की, सो मैं तो बहुत ओवर प्रिपेयर हाँ हूँ। सो मैं पता लग जाता है कि जो जो इंटरव्यू ले रहा है उन्हें जानता भी है नहीं जानता, बट मैनू ट्रांजिशन ने मैं बहुत कुछ सिखाया है, मैंने बहुत सारी ऑपरचुनिटीज़ इस ट्रांजिशन ने दिखाई ने, उस कुर्सी ने मैंने बहुत कुछ दिता है, तो मैं दोनों चीज़ों बहुत अप्रीशिएट करती हाँ। मैं कितने कितने हजे भी चाहनी हाँ कि मैं शोज़ होस्ट कर लूँ, शायद आई रियली वांट टू डू माई अर्न शो, तो मैं शायद इस साल करा भी। यस, मेरी एक प्लानिंग चल रही है तो मैं वो चीज़ मैं कैरी करना चाहती हूँ, उस चीज़ ने मैंने बहुत कुछ दिता है। तो बिल्कुल तनिया एक थोड़ा सीरियस सवाल है, कह देंगे ने कुछ अगर किसी कुड़ी ने कुछ गलत होंगे तो अगर उन्हें शॉर्ट ड्रेसिस पाए हुए कह देंगे ने कुड़ी ने कपड़े छोटे पाए से करके गलत होया, वो नहीं पाती तो शायद ये चीज़ ना होंगी। मैं लगता मुंडे भी तो जम्बर्स पा के घूमते उन्हें ना क्यों नहीं गलत हो जाता कुछ? आई थिंक इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज कि गलत हो गया, इट इज़ ऑल अबाउट सैल्फ कंट्रोल, किसी ने तुसी ब्लेम नहीं कर सकते, अपने आप ते ही कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स इट, आई विल नॉट टेक इट फर्दर बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू दिस टॉपिक,
बट इट इज़ ऑल अबाउट सैल्फ कंट्रोल. किसी के कपड़े या किसी के असं वे ब्लेम नहीं कर सकते, अं तो मुंडे भी शॉर्ट्स पा के घूमते रहते. छोटे कपड़े पाए सी. सो एक छोटी जी गेम खेलते हैं, मैं क्या थोड़ा जा लाइट कर दें. ठीक है, मैं थोड़े कुछ प्रोजेक्ट्स बारे बोलूँगी. इस फिल्म तो रिलेटेड भी ने और वैसे भी ने. सो मैं एक लाइन बोलनी है, तुम्हें उन्होंने कंप्लीट करना है. थोड़े डायलॉग्स ने, ठीक है. तारे नहीं मंगती तेरे को बस ए बाजरे के सिट का. नहीं नहीं, ऐ सुफने का. बस तू पढ़ लिख के जॉब कर ला. ठीक ठाक जी नौकरी. ठीक ठाक जी नौकरी कर. बिल्कुल. 5 years टू दिस डायलॉग. ओके, बहुत स्पेशल फिल्म है सारे लिए. मिला था थोड़े लिए तो बहुत ज़्यादा हुई. एक और है, डोंट टेल मी ये बाल मेरा है. लेख दा है ऐसे उत्ते कमरे च बह के राजवीर दे करे कीती सी. ए तो स्कूल ए तो स्कूलों वाले जवाक कर देने हरकत. कुछ न्याणा चुकया है तो बेडरूम हाल लभदी फिरदी है. जिन्हां मापिया ने कदी अपनी धियां ते बुरी नज़र नहीं पहन दिती, अज उन्हां मापिया की रोटी लिए उन्हां दी धियां नूं कित्थे कित्थे हाथ लवाने पैंदे आ. कुड़ियां ही क्यों शर्म दे नाल फा लैन. कंप्लीट. इन्हां मुंडियां नूं भी तां शर्म आनी चाहीदी है. बिल्कुल बिल्कुल. बल्ली जदों तक विआह नहीं हो जांदा डैश तू ही हैरी दा ख्याल रखना है. बिल्कुल. सो तनिया फिल्म दी गल करते हैं. बहुत ही सोहना कॉन्सैप्ट. जो तुसी किसी फिल्म दे लिए स्क्रिप्ट पढ़नी होंदी है, सो की चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करते हो फिल्म नू लेके कि हाँ आ चीज़ इच होनी चाहिए है. मैं स्टोरी नोट करते हैं, स्टोरी थोड़ी सेंस बनानी चाहिए है. दैट्स इट. तुसी मैनू लगता मेरा कैरेक्टर की कर रहा है, किन्नी इंपॉर्टेंस है मेरी कैरेक्टर दी. और जो मैं हमेशा एक चीज़ एक एक्सरसाइज करती हूँ कि जो मैं अपना कैरेक्टर कढ़ना नैरेटिव किन्ना बदलूगा. इस चीज़ के नाल मैनू पता लग जाता कि मेरी किन्नी इंपॉर्टेंस है उस स्क्रिप्ट के नाल. सो वो तो ये भी पता लग जाता कि थोड़ा किन्ना काम है, तुसी किन्ना कुछ कर सकते हो, किन्ना परफॉर्म कर सकते हो, किन्नी वर्सटैलिटी लेके आ सकते हो. तुसी काफ़ी टाइम इकट्ठे स्पेंड किया, काम भी किया. मैं थोड़े दोनों बारे कुछ पूछना है. और तुसी तीन दसना है, मतलब तुसी इन बारे तीन पॉजिटिव दसने और तीन नैगेटिव जो तुम इन चो चेंज करना चाहते हो. तीन पार्ट ना नहीं, मतलब जो चीज़ तुम लगती नहीं थोड़ी जी चेंज करनी है. मैं लगती नहीं किसी, मैंने लगता जो भी बंदा जिमें भी है वो एवं ही है. एंड आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एनी बडी. आई एक्सैप्ट द परसन एंड सिचुएशन एज दे आर. सो मैनू नैगेटिव लवना बहुत औखा हों. असी सोनम के नाल एक्सरसाइज की गेम खेडी सी पिछले साल. शी वाज लाइक रात तू ना स्नैपचैट घट यूज़ करे. अब मैं स्नैपचैट ही बंद कर दी. मैं यूज़ ही नहीं करती. मैं सोनम दे दी होगी कभी. मैं दस्या सी है हटती नहीं है. बट या आई थिंक इट्स फन. यू कैन डू इट इन फन वे. नो बट आई थिंक आई हैव नेवर फोकस्ड ऑन द नेगेटिव साइड्स मोर. तो मैं पता ही नहीं गया भी की करना. चंगिया चीज़ा इज नहीं नहीं मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट चूज कर रही हूँ कि राज ने अपना एंकर तो इतों तक का सफर ली मेहनत की. दूजी चंगी चीज़ इज शी इज़ वॉर्म हार्टेड. तीजी चंगी एंड बेस्ट चीज़ इज शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग. हाँ ये तो मैं मानी हूँ. असं बैठी सी तुम दसो तानिया बारे कुछ. तानिया एक बहुत वधिया एक्टर है, एक्ट्रेस. एंड शी इज़ वेरी बबली. मैनू बहुत वधिया लगता कि वह बहुत बबली ने. एक शी मेक्स श्योर शी लुक्स गुड ऑन स्क्रीन एज वेल. अगर तीन चेंज करना हो कुछ फिर तीन चेंज करना है तो मैं दसो. हाँ दसो. तानिया जो खाना ना मिले तो चिड़चिड़ी हो जाती है. दो चम्मच खा के इन्हों का खाना छेती आना चाहिए है. तानिया थोड़ा जा कि प्रमोशन से लेट हो जाती है. वो चीज है बस ही है. वो तो मैंने सारा कुछ खास नहीं है. अगर कुड़ियाँ बाहर रहिंदियाँ ने जदों भी मतलब पढ़ाई लिया होंगे या जॉब लिया होंगे कई चीज़ों जो तुम पहले गल की कि बहुत मुश्किल होंगे रहने क्योंकि मैं भी बाहर रहनी हूँ. सो कह देंगे कि अगर एंकर आ बिकॉज मैं अगर एंकर हाँ मैं कहता कि मैं पीजी लेना है की कर दौ मीडिया च एंकर हाँ नहीं फिर नहीं रखना तुम लेट आते हो तुम्हारा काम औखा है
ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜੋਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਐਡੀਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਫੀਲਡ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਬੈਂਕਰ ਚਾਹੇ ਰੋਬਰੀ ਕਰ ਆਏ ਪਰ ਬੈਂਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋਬ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ? ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਘਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਬੋਰਨ ਵਮਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬਿਟ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਰੈਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੁਮੈਨ, ਹੋਰ ਰੈਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਹੁਣ ਕਲੀ ਜੋਟਾ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਲੀ ਜੋਟਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਪਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ। ਕੋਨਸੈਪਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ, ਰੋਮਾਂਸ, ਸਸਪੈਂਸ, ਡਰਾਮਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਨਸੈਪਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਂਡ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੁਮੈਨਸ ਡੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੁਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਐਂਡ ਗੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦਿਸ ਵੁਮੈਨਸ ਡੇ ਵਿਦ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਨ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ ਯੂ ਹੋਮ 8 ਮਾਰਚ। ਸੋ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ।